हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू, कैसे हो? मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा फूल बनाना बता रही हूँ। उससे पहले इसमें ना हम आउटलाइन करेंगे इस तरह से। ये हमने इसकी फूल की जो है ना थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है, आउटलाइन कर लिया है इसकी, ठीक है। अब मैं फ्लैट ब्रश से ना इसमें वाइट कलर फिल करूंगी। ओके, ये बैटसन का दुपट्टा है। ओके, अगर आप इसको थोड़ा जैसे पानी अगर लगा लोगे तो थोड़ा फास्ट जो है मिक्सिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। पहले जैसे दो गर्मी है ना तो जल्दी सूख जाता है कलर, दो दो जो है ना पत्ते आप बना सकते हैं। जैसे ये मैंने दो बना लिए पहले, अब मैं दूसरा ब्रश लेकर जो है इसके अंदर पिंक कलर, न्यून शेड पिंक है ना जो, वो इसके अंदर शेडिंग करेंगे। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लाना है और इसमें इस तरफ लेके जाना है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ। अब जो यहां पर है इस तरह से मिक्सिंग कर देनी है, फ्लैट ब्रश को फ्लैट करके। ये मेरे पास 8 नंबर का ब्रश है, वो 8 नंबर का फ्लैट ब्रश था, ये गोल है। ओके, अब इसको धीरे धीरे से इसे मिक्सिंग कर देंगे इस तरह से, इसको अच्छे से अब इसी तरह से फिर दोबारा से ब्रश को, फ्लैट ब्रश को लेंगे ये बैटसन का दुपट्टा है और इस पर पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी जो पेंटिंग है मेरे हिसाब से बैटसन के दुपट्टे पर होती है, मतलब बिल्कुल। एक तो इस पे आप हाथ लगा के देखोगे बिल्कुल प्रिंट बन जाता है और सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है दुपट्टा, और बढ़िया काम करना भी बढ़िया लगता है इस पर, इस दुपट्टे पर। इस तरह से मैंने 5 पत्तियां बनाई है। इन 2 पत्तियों में व्हाइट कलर अच्छे से नहीं लगा है, इसको आप रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम पानी लगा रहे थे ना तो व्हाइट कलर ऊपर से पतला पतला उसमें लग गया। अब मैं इस ब्रश को रखती हूँ और दूसरे ब्रश को वॉश करके अब उसी तरह से फिर पिंक कलर लेंगे। अब इसमें भी इस डायरेक्शन में लेके जाना है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें भी इधर की तरफ, इसमें इस तरफ।
ओके। अब इसमें जैसे इसमें किया था इसमें भी वैसे ही करना है। ट्रे में कलर खत्म हो गया है, मैं कलर डालूं। इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ आए थे और इसमें हम इस साइड जाएंगे। एक बार दोबारा इस पे कलर तो करना है क्योंकि नीचे वाला कलर थोड़ा लाइट हो जाता है ना, जब वाइट के वाइट नीचे बेस करते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, इसलिए इसको रिपीट करना है दोबारा। तो ये इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। इसको इस तरह से मिक्सिंग कर देंगे। अब जो ये है ये ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। और ध्यान रखना है नीचे वाला वाइट कलर सूखना नहीं चाहिए, और मतलब अगर आपको लगता है कि सूख रहा है तो एक एक पत्ता कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि दो या तीन आपको करने हैं। अब यहां पर इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। यहां पर आप व्हाइट कलर दोबारा कर सकते हैं, यहां व्हाइट कलर थोड़ा कम हुआ है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इतना होने के बाद थोड़ा सा जो है ऑरेंज कलर वो लेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेंगे। और ये जो फैब्रिक कलर की डिब्बियां होती हैं साथ ही साथ इसको बंद करना जरूरी है क्योंकि ये सूख जाता है कलर। अब इसको हल्की हल्की सी इस तरह से शेडिंग कर देंगे, मतलब नीचे थोड़ा थोड़ा पिंक भी रहने देंगे और इसके ऊपर एक एक बार अब इस तरह से इधर भी कर देंगे।
अब इसको पत्ती को थोड़ा सा यहां पर मुड़ा हुआ शो करना है, तो इस तरह से इसको यहां पर ऐसे मिक्सिंग कर देंगे। इस तरह से अब एक आउटलाइन वाइट की, जहां जहां वाइट है उसको बिल्कुल ऐसे इक्वल सफाई से कर देंगे। ठीक है, अब ब्लैक कलर लेंगे सॉरी ये ब्लैक कलर नहीं है, ग्रीन कलर है। अब ये ब्लैक कलर से इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब जो है ग्रीन कलर से इसकी एक लिप बता देती हूँ बनाकर आपको। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर और उसके बाद येलो कलर लगाएंगे। एक यहाँ पर भी व्हाइट की आउटलाइन। इस तरह से ये पतला पतला ग्रीन कलर आप ब्लैक कलर लेंगे, एक किस ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड इस तरह से ब्लैक कलर लगा देंगे। ब्रश को अच्छे से पोंछ कर इनको आपस में मिक्सिंग कर देंगे।
अब एक यहाँ पर छोटी सी कली बना देंगे व्हाइट कलर लगा के। ये थोड़ा भी गीला है, थोड़ा सूखने दो। सूखने के बाद इसमें आप बीच बीच में जो है लाइनिंग लगाएंगे। अभी इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे और इस तरह से इसको सही करेंगे कि ये ब्लैक रंग फैल ना जाए। और अगर आपके पास गोल्डन आउटलाइनर है तो वो भी आप इस पे कर सकते हैं ऐसे। ये देखो इस तरह से। अब हम उसको देखते हैं, अगर वो सूख गया है तो जो लिप्स है ना उसके अंदर ब्लैक कलर से जो है और वाइट कलर से आउटलाइनिंग करेंगे। अब थोड़ा सूख चुका है इस तरह से। ब्रश को धोएंगे और फिर अब व्हाइट रंग की आउटलाइन करेंगे। इस तरह से इसमें व्हाइट के भी कुछ टच दे देंगे। उम्मीद है आपको ये फूल पसंद आया होगा और जरूर जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, जितनी व्यूज होंगे उतने लाइक किया करो। देखो मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ आपके लिए।